हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से वेटिंग टिकट के ऊपर ट्रेन में ट्रेवल बंद किया गया, स्लीपर क्लास में ट्रेवल बंद किया गया, एसी क्लास में वेटिंग टिकट के ऊपर ट्रेवल बंद किया गया है, तब से काफ़ी ज़्यादा यात्री परेशान हो रहे थे। यात्रियों की बस एक डिमांड हो रही थी कि कोचेज बढ़ाए जाए, स्लीपर कोचेज बढ़ाए जाए या फिर जनरल कोचेज बढ़ाए जाए। ऐसे में इंडियन रेलवे की तरफ से जो बयान आया था, अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बयान आया था कि 10,000 कोचेज बढ़ाए जाएंगे। लेकिन दो साल तक क्या करेगा इंडियन रेलवे, क्या करेंगे यात्री? लेकिन अब इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ राहत की न्यूज आ रही है। क्या राहत की खबर है वेटिंग वालों को, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे से रिलेटेड दो लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट की। पहला लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, आईआरसीटीसी डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो और सीआरआईएस यानी क्रिस कंपनी जो है वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप या रेलवे की जितनी वेबसाइट ऐप है उनको डेवलप करने में मदद करती है। आईआरसीटीसी, दिल्ली मेट्रो और क्रिस ने तीनों ने मिलकर एक नया प्लान स्टार्ट किया है, वन इंडिया वन टिकट नाम से। इसके जरिए आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अब दिल्ली मेट्रो का भी टिकट बुक कर पाएंगे, वो भी 120 दिन पहले तक का। अभी इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, इसका ट्रायल चल रहा है। कुछ दिन के अंदर इसकी ऐप और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप दिल्ली मेट्रो का टिकट बुकिंग कर पाएंगे, वो भी 120 दिन पहले का। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, वेटिंग टिकट वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको यात्रा एक तो करने नहीं दिया जा रहा था, बीच रास्ते में उतारा जा रहा था, आने वाले रेलवे स्टेशन पर उतारा जा रहा था। ऐसे में यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और जो आम यात्री हैं वो डिमांड कर रहे थे कोचेस को बढ़ाया जाए। इसी वजह से इंडियन रेलवे अब धीरे धीरे कोचेस को बढ़ाने का फैसला कर रहा है। आपको बता दूं, अक्टूबर महीने से जबलपुर रेल मंडल की जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें उसके अंदर कोचेस जस्ट डबल कर दिए जाएंगे जनरल क्लास के। आपको बता दूं, अभी तक दो कोचेस लगते थे लेकिन अब चार कोचेस लगेंगे जनरल क्लास की। कौन कौन सी ट्रेनों में लगेंगे यहां पर आप लिस्ट देख सकते हैं। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी यह फैसला ले लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरेंगी उसके अंदर जनरल कोचेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। जनरल कोचेस की जब संख्या बढ़ाई जाएगी तो ऑटोमेटिक भार कम होगा, यात्री ट्रेनों पर भार कम होगा और वेटिंग वालों को कुछ आराम मिल पाएगा, वेटिंग कम जाएगी ट्रेनों के अंदर। हालांकि जनरल क्लास में यात्रा करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब जनरल क्लास बढ़ा दिए जाएंगे तो जनरल क्लास वाले स्लीपर क्लास में नहीं आएंगे, वेटिंग वालों को भी आराम हो जाएगी, कुछ सुविधा तो मिल पाएगी। हालांकि अभी कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय, इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोनों लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।